C5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए कभी भी कहीं भी। ये चढ़ जाइए ऊपर। एक मिनट ये खोल दूं ताकि आप खुल के नाच सकें। और अच्छा होगा कि आप नाचें, वरना याद है ना पिछली बार मैं क्या करने वाली थी? बच्चों को समझाना कितना आसान होता है ना साहिल, पर ये आसान सी बात हम बड़ों को क्यों नहीं समझ में आती। माया प्लीज, मैं जानती हूँ तुम क्या कहना चाहती हो, आगे कुछ मत कहो, कोई फायदा नहीं है। मैं तुमसे परमिशन नहीं मांग रही हूँ साहिल, मुझे पता है कि वेदिका ने लाइफ में कुछ ऐसे डिसीजंस लिए हैं जिसकी वजह से तुम्हें बहुत चोट पहुंची है, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम आज भी वेदिका से उतना ही प्यार करते हो। तुम्हारे प्यार की, तुम्हारी जुनून की कदर करती हूँ मैं साहिल, लेकिन आज तुम जो कुछ भी कर रहे हो, I'm really sorry to say, उसमें मुझे प्यार नजर नहीं आता है। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि जो कुछ मैं कर रहा हूँ मेरे लिए बहुत आसान है? रोज माया, रोज कहीं ना कहीं अंदर मर रहा हूँ मैं। जब उन्हें दर्द होता है तो मुझे भी तकलीफ होती है, बस मैं दिखाता नहीं। तो साहिल क्यों कर रहे हो ऐसा? अरे क्यों नहीं सुलह कर लेते आपस में? बन जाओ ना, वही साहिल बन जाओ जो पागलों की तरह वेदिका से प्यार करता था। ये प्यार में जो भी जख्म मुझे मिले कहीं ना कहीं भर जाएंगे, लेकिन अभी जो नुकसान होगा वो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मैं वेद को नहीं खो सकता, वो मेरा बेटा है। हाँ मैं जानता हूँ वेदिका जी ने वेद को जन्म दिया है, लेकिन मैंने उसे पाला है, और मैं किसी भी कीमत में माया, किसी भी कीमत में वेद को मुझसे अलग होने नहीं दूंगा, चाहे वो कीमत मेरा प्यार क्यों ना हो। जो सच है वो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, तुम दिमाग से अंधे हो चुके हो साहिल, तुम्हें सच्चाई नहीं दिखाई दे रही। क्या सच माया, क्या सच्चाई? तुम क्या कहने की कोशिश कर रही हो? कौन सा सच? जिस वेद के लिए तुम लड़ाई कर रहे हो वो दरअसल वेदिका